सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल एबीसी ऑफ गार्डनिंग एंड ऑल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सभी को ऋतु का प्यार भरा नमस्कार और सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी ऑफ गार्डनिंग एंड ऑल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ठंड के और एक पौधे के बारे में जिसे हम कार्नेशन के नाम से जानते हैं और जो डायंथस फैमिली का है। डायंथस के फ्लावर्स जो होते हैं कई बार सिंगल पेटल्ड होते हैं, लेकिन कार्नेशन के फ्लावर्स जो होते हैं थोड़े से घने और थोड़े से बड़े होते हैं और ये फ्लावर्स जो हैं ये कई दिन तक रह जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि डायंथस को कैसे पॉट में लगाना चाहिए। तो आप जो मेरा ये पॉट देख रहे हैं ये करीबन 5.25 इंच चौड़ा है और जो है 11 इंच लंबा है, बहुत गहरा भी नहीं है। मैं कहूँगी 5 अंगुल के करीब ये कह लीजिए 4.5 इंच का जो है ये गहरा है और मैंने एक पॉट में 2 प्लांट्स लगाए हुए हैं। तो ऐसे पॉट में आप आसानी से सीजनल फ्लावर्स लगा सकते हैं, सीजनल प्लांट्स जो आते हैं। और डायंथस कार्नेशन जो है इसके प्लांट्स जो हैं इनको बहुत ज़्यादा केयर नहीं चाहिए। जब आप इसकी मिट्टी बनाएं तो मिट्टी बनाते समय आप एक हिस्सा गार्डन सॉइल ले लीजिए, एक हिस्सा या तो आप कोकोपीट ले लीजिए या फिर सैंड रिवर सैंड ले लीजिए। मैंने इसमें कोकोपीट इस्तेमाल किया, आप चाहें तो रिवर सैंड भी ले सकते हैं। फिर उसमें एक हिस्सा आप वर्मी कंपोस्ट और कंपोस्ट, यदि आपके पास में इन दोनों में से कोई एक चीज़ नहीं है तो गाय की गोबर की बनी हुई खाद आप ले सकते हैं या बकरी की मिंगनी ले सकते हैं, मिंगनी की बनी हुई खाद ले सकते हैं। सूखी पत्तियाँ आप मिला सकते हैं इसमें, ये सारी चीज़ें मिलाकर। और आप एक अच्छी साथ में इसमें थोड़ी सी नीम की कली मिला लीजिए, थोड़ी सी बोन मील भी आप मिला लीजिए। ये सारी चीज़ें मिला करके फिर उसके बाद में आप पॉटिंग सॉइल तैयार कीजिए। तो जब आप ऐसी पॉटिंग सॉइल बनाएंगे और ऐसे में आप अपने प्लांट्स लगाएंगे तो पौधों की जड़ जो है वो बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से फैलेगी। जब पौधे को जड़ों से नरिशमेंट बहुत अच्छा मिलता है तो आपका प्लांट जो है वो बहुत हेल्दी होते हैं, साथ में उसके फ्लावर्स भी हेल्दी होते हैं। तो ये जो आप प्लांट देख रहे हैं मैं नर्सरी से लेकर आई थी और उस दौरान जब मैंने लगाए थे करीबन इनको 1 महीने हो चुके हैं और 1 महीने में ये काफ़ी अच्छे हो गए हैं। इन्हें धूप बहुत चाहिए, 4 से 5 घंटे की धूप इनको रेगुलर चाहिए, रोज़ ही चाहिए। दूसरा, इनको पानी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। इनको जब ऊपर की गमले की मिट्टी आप देखें कि ऊपर की 2 इंच की मिट्टी सूख गई है उस दौरान आप पानी दीजिए। अब क्योंकि हमने पॉटिंग सॉइल में सारी चीज़ें मिला ली हैं इसलिए हमको अलग से 1 महीने तक तो कोई खाद देने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको ऐसा लगे, देखिए ये जो नई नई ब्रांचेज निकल रही हैं यही ब्रांच जब 6 या 7 इंच लंबी हो जाएँ तो इनको आप प्रूनिंग शेयर से कट करके और इनको प्योर कोकोपीट में लगा कर और आप छांव में रख दीजिए तो 2 हफ्ते में आपका एक नया प्लांट तैयार हो जाएगा। यदि आप इनकी सीडिंग करने की बात कर रहे हैं तो सीडिंग जो है इनकी सितंबर के मंथ में की जाती है, जब बारिश जो है लगभग ख़त्म होने वाली रहती है। तो आपका प्लांट जो है करीब करीब नवंबर एंड में बिल्कुल रेडी हो जाएगा, फ्लावरिंग के लिए तैयार हो जाएगा। जब आप सीडिंग करते हैं उस दौरान जो है सीड्स में भी आप लिक्विड फर्टिलाइज़र डालें। जब आपकी सीड्स जो हैं करीबन 2 इंच लंबे हो जाएँ, सीडलिंग्स जो हैं 2 इंच लंबे हो जाएँ, तब 1 हफ्ते के अंतराल पर आप जो है लिक्विड फर्टिलाइज़र उन्हें प्रोवाइड कीजिए तो उससे उनकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। मेरे पास कई क्वेरीज आती हैं कि हमने छोटे छोटे प्लांट्स लगाए हैं, सीड्स ग्रो किए हैं लेकिन उनकी जो लंबाई है वो नहीं बढ़ रही है, ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है। तो देखिए, पौधों में जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उनमें अपने आप से जड़ खाद लेने की क्षमता नहीं होती, क्योंकि एक तो वो शेड में भी रहते हैं, दूसरा के जो फोटोसिंथेसिस है वो प्रोसेस उनमें स्लो रहता है, इसीलिए उनको लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया जाता है कि वो जड़ों से अपने आप खींच लें। दूसरा जो है, देखिए जब हम लिक्विड फर्टिलाइज़र की बात करते हैं तो मैंने अपने कई वीडियोज़ मैंने अपने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं लिक्विड फर्टिलाइज़र के ऊपर, सरसों की खली से लेकर, वेजिटेबल से लेकर, अमृत जल से लेके, तो आप चैनल पे विज़िट कर सकते हैं, वहाँ आप देख सकते हैं लिक्विड फर्टिलाइज़र किस तरीके से बनाना है। और एक सबसे सरलतम लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं आपको बताती हूँ कि जिसमें माइक्रो और मैक्रो दोनों न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे। आप घर में जब हम सब्ज़ियाँ लेकर आते हैं उसका जितना भी कचरा निकलता है अनकुक्ड वाला, बिना पका हुआ सारा कचरा आप इकट्ठा कर लीजिए किचन का और उसे आप बाल्टी में घोल दीजिए, 24 घंटे के लिए उसे रहने दीजिए और फिर उसको
उसमें उसको आप एक एक कप मतलब 200 ml जो है हर प्लांट को दीजिए। लेकिन डालने से पहले आप इतना याद रखिए कि पहले से ही प्लांट को आप पानी दे चुके हों। जब आप मिट्टी में नमी रहती है और उस दौरान जब हम फर्टिलाइज़र डालते हैं तो पौधों की फर्टिलाइज़र एब्जॉर्ब करने की क्षमता जो है वो बढ़ जाती है। तो फर्टिलाइज़र का हो गया। अब आपको ध्यान रखना है, देखिए जब ठंड के मौसम में कई बार बादल हो जाते हैं तो उस दौरान जो है कीट का ख़तरा काफ़ी बढ़ जाता है। तो ऐसे में एफिड्स मैंने देखे हैं, वैसे डायंथस में इसमें कार्नेशन में कोई कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं, पर एफिड्स ऐसे हैं जो छोटे छोटे आके चिपक जाते हैं, कई बार काले काले बारीक बारीक कीड़े आप लोगों ने देखे होंगे। तो उसके लिए बेस्ट है कि आप जो है नीम ऑयल का सॉल्यूशन इवनिंग में कर दे, धूप मतलब सूरज ढलने के बाद में आप नीम ऑयल का स्प्रे हर दूसरे तीसरे दिन के अंतराल पे कर देंगे, तो आपका प्लांट जो है ये स्वस्थ, इसमें जो है ये कीट मुक्त रहेगा, इसमें किसी भी प्रकार के कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे। पॉट का साइज़ यदि आप बहुत बड़े पॉट में लगाते हैं तो फिर प्लांट क्या करता है, अपनी सारी एनर्जी जो है वो जड़ों को फैलाने में लगा देता है। इसीलिए जितने भी सीजनल प्लांट्स होते हैं इनको बहुत बड़े गमलों में नहीं लगाया जाता, क्योंकि फिर फ्लावरिंग इनकी बंद हो जाती है, फिर पूरा एनर्जी जो है इनकी जड़ में चली जाती है। लेकिन जब हम छोटे छोटे गमलों में इनको लगाते हैं, बहुत छोटे भी मत लगाइए, जितना बड़ा प्लांट का साइज़ है कम से कम उसका 1.5 गुना होना चाहिए गमला। तो ऐसे में क्या होता है कि उनका जो एनर्जी है वो जल्दी जल्दी लेते जाते हैं। लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आप हर हफ्ते मतलब 8 दिन से लेकर 10 दिन के अंतराल पर आप पौधों को डाल सकते हैं। इनको धूप में रखिए, और तो इनको ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं, बहुत केयर भी नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, हेल्पफुल साबित होगा। तो मेरे अगले नए टॉपिक के साथ मैं आप लोगों के बीच में फिर आती हूँ। तब तक के लिए कॉमेंट्स हैं, क्वेरीज हैं, मुझे लिख भेजिए। फिर मिलते हैं हम, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग।